हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 विनिलेटर ग्लिफ गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। विनिलेटर ग्लिफ ये काफी ऑप्टिमाइज सिमुलेटर है, इसमें ये सारे गेम आपको ज्यादा FPS मिलते हैं। लो एंड प्रोसेसर में भी कुछ गेम वर्क हो जाते हैं। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है आपका, तो उसमें भी आपके कुछ गेम रन हो जाएंगे। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक आपको शूटिंग टाइप गेम मिलने वाला है, एक दो गेम है ओपन वर्ल्ड गैंगस्टर गेम, और एक आपको जोम्बी शूटिंग टाइप गेम मिलने वाला है और इसमें सैड स्टोरी लाइन रहेगी, स्टोरी लाइन के साथ वो गेम रहेगा। और एक आपको RPG एडवेंचर गेम मिलने वाला है, एक्शन एडवेंचर RPG गेम है। इसमें आपको बहुत सारे फैंटेसी वर्ल्ड दिखने वाले है, तो आपको ये भी गेम ओपन वर्ल्ड मिलता है। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 5 विनिलेटर ग्लिप्स गेम है। नंबर 5 पे जो गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 साइजेस की 11GB है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 ये ओरिजिनल वर्जन है 2009 का, और ये गेम स्नैपड्रैगन एजेंट 2 और आपका 12GB रैम का डिवाइस है, 16GB रैम का डिवाइस है, 45 FPS पे आपका ये गेम चल जाता है। ज़्यादा तोड़फोड़ हुई तो 30 FPS तक जाएगा, लेकिन स्मूथली आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में आपको शूटिंग का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, आर्मी का पूरा आपको इस गेम में एक्सपीरियंस मिलेगा। टेररिस्ट से आप फाइट करोगे, गेम आपका लैग नहीं करने वाला। स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है और आपका 4GB रैम है, तो ये आपका 15, 17, 18 FPS पे आपका ये गेम चल जाएगा। बस आपको लो सेटिंग पे खेलना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो 680 प्रोसेसर वाले भी इस गेम को इंजॉय कर सकते हैं। ये गेम काफ़ी ऑप्टिमाइज है, ओल्ड पुराना गेम है, तो आप ये ओल्ड टाइटल वाले गेम है 2008-09 के, वो खेल सकते हैं आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। तो AAA टाइटल गेम के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ओल्ड नॉस्टैल्जिया आप जरूर ले सकते हैं। नंबर 4 पे जो गेम है वो है GTA 4 साइजेस की 13GB है। GTA 4 ये गेम आपके लो से लो प्रोसेसर में चल रहा है, विश्वास नहीं लगेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर और 4GB रैम में ये गेम वर्क हो जाता है। 15-14 FPS पे आपका ये चल जाता है, ये गेम लैग नहीं करता, 14-15 FPS पे प्लेबल देता है FPS, लेकिन 680 प्रोसेसर इतने लो इन प्रोसेसर में 4GB रैम में ये आपको 17-15 FPS पे गेम चल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 8 Gen 2 उसमें तो आपका 30 FPS लॉक रहेगा, नीचे नहीं जाएंगे। टर्निप लगाना है, वो सारी चीज़ें आप YouTube पे देख सकते हैं, वो आसानी से हो जाएगी। तो गेम अच्छा है, निको बेलिक आपको मेन कैरेक्टर मिलता है और इसमें स्टोरी लाइन भी मिलती है। हाँ, थोड़ा डार्क स्टोरी लाइन है, थोड़ा सैड स्टोरी लाइन आपको मिलती है, लेकिन अच्छा है गेम है। GTA 4 में आपको जो फनी जो मोमेंट्स मिलते हैं, जो पेड्स होते हैं, उनकी भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, यदि उनको आप धक्का देते हो तो थोड़ा फन टाइप भी गेम रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें स्टोरी लाइन सैड हो, तो गेम प्ले वाइज देखा जाए तो बाकी आप जब घूमते हो फिरने जाते हो गेम के अंदर, मिशन कंप्लीट नहीं करते हो, तब आपको थोड़े फनी मोमेंट देखने के लिए मिलेंगे, यदि आप किसी पेड़ से फाइट करते वक्त करोगे। और इसमें आप मोडिंग भी बहुत सारी कर सकते हो, ट्रेनर डाल के फ्यूचरिस्टिक कार डाल सकते हो, फ्यूचरिस्टिक वेपन डाल सकते हो, जो मर्जी आप करनी है वो आप इस गेम में कर सकते हो। बस आपका डिवाइस थोड़ा सा बढ़िया है मोडिंग के लिए तो आप कर सकते हैं, थोड़ी साइज बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा, तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, नंबर 3 पे आपका जो गेम है वो है GTA 5 साइजेस की 100GB है। हाँ, फिटगल वाला वो यदि आप डाउनलोड करते हो तो 35 आपकी GB में रह जाता है, 16GB में रिलोडेड आपको मिलता है वो 16GB वाला वर्जन, और फिटगल वाला वर्जन आपको 35GB के आसपास मिलेगा। लेकिन आप पूरा कंप्लीट गेम ऑनलाइन विद सब कुछ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी साइज 100GB तक लगभग है, लेकिन अभी बड़ी भी होगी क्योंकि इस गेम में अपडेट बहुत सारे आते हैं। अब GTA 5 बारे में मुझे पता नहीं कि कोई आवश्यकता नहीं, माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन तीन मेन कैरेक्टर है जिसके साथ आप स्विच करना चाहते हो उसके साथ आप कर सकते हो। तीनों के अलग अलग मिशन मिलते हैं, तीनों के एक साथ कुछ मिशन मिलते हैं, तो मिशन की कमियां इस गेम के अंदर आपको मिलती ही नहीं। और मोडिंग की वैरायटी तो इसमें बहुत सारी आपको मिलती है, और स्नैपड्रैगन 888 8GB रैम में ये आपका
32 FPS पे गेम चल जाता है, 29, 27, 28 इस FPS में आपका ये गेम चल जाएगा, बस आपको रिजोल्यूशन थोड़ा कम रखना है। और स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का प्रोसेसर है और 16 GB रैम का डिवाइस है, और यदि आप इस गेम को खेलना चाहते हो 720 रिजोल्यूशन में तो आपका ये गेम 32 या 35 44 FPS पे चल जाएगा। तो ये है, आप रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा रखोगे उतने थोड़ी FPS कम हो जाएंगे, यदि कम रखते हो तो FPS आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो यदि आपका स्नैपड्रैगन का ये Gen 3 का प्रोसेसर है, 16 GB रैम का डिवाइस है, फिर तो दिक्कत ही नहीं, आप इस गेम को मक्खन की तरह खेल सकते हो। 24 GB रैम वाला भी वेरियंट आया है ROG 8, उसमें तो ये गेम 16 FPS लॉक रहेगा, FPS आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। विनेटर ग्लिफ काफ़ी ऑप्टिमाइज हो चुका है, GTA 5 भी 16 FPS पे चल रहा है हाई प्रोसेसर में, हाई डिवाइस में। तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए, गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नंबर 2 पे जो गेम है वो है रेसिडेंट एवल 8 विलेज, साइजेस की 34 GB है। हाँ, आईफोन 15 वालों को तो मजा आता होगा इस गेम खेलने में, और वो भी गेम डाउनग्रेड किया गया है, कार्टूनिश ग्राफिक्स दिखते हैं, लेकिन रेसिडेंट एवल 8 जो AAA टाइटल की ग्राफिक्स के अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स वाला गेम आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल सकते हो, वो भी विनलेटर ग्लिप्स के थ्रू। हाँ, बस रिजोल्यूशन आपको 916x544 रखना पड़ेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 प्रोसेसर में और 16 GB रैम में, उसमें ही आपको 32, 25 इस FPS लगभग आपका ये गेम चल जाता है, क्योंकि ये AAA टाइटल वाली गेम है, ये गेम खेलने में फट जाती है डिवाइस की। आईफोन 15 में भी वो डाउनग्रेड किया तब जाके वो गेम रन हुआ। तो ऐसे जो अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स में जो PS5, PS4, PC के लेवल के गेम यदि डायरेक्ट आप एंड्रॉइड डिवाइस में खेलोगे तो यही होगा, ये FPS थोड़े ड्रॉप आउट हो ही जाओगे, क्योंकि AAA टाइटल गेम के लिए आप ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। ये AAA टाइटल के लेवल की गेम खेलने हैं ना आपको, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड लगता ही है, गेमिंग PC लगता ही है। तो आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में ये थोड़े गेम कम FPS पे खेलोगे, लेकिन अच्छा गेम है और स्टोरी लाइन भी अच्छी मिलती है आपको। जॉम्बी गेम है, जॉम्बी शूटिंग टाइप सैड स्टोरी लाइन मिलती है, डार्केस्ट ब्लैकेस्ट आपको हॉरर एलिमेंट मिलते हैं इस गेम के अंदर जॉम्बी के। तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए, और दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, लास्ट गेम नंबर 1 पे गॉड ऑफ वॉर, साइजेस की 40 GB है। गॉड ऑफ वॉर AAA टाइटल गेम है, और आपको पता ही इसमें एक्शन एडवेंचर RPG गेम आपको ये गेम मिलता है, और इसमें ढेरों सारे आपको विलन मिलते हैं, बड़े बड़े बॉसेस के आपके साथ फाइट होगी। तो गॉड ऑफ वॉर काफ़ी पॉपुलर सीरीज है और इस गेम को भी आप इंजॉय कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 888 और 8 GB रैम में ये गेम आपका 7-8 FPS पे चल जाएगा, और ये वन यदि आप फाइट करोगे तो इसमें 2, 3 या 4 FPS पे चल सकता है ये गेम, या गेम क्रैश भी हो सकता है, या मोबाइल ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, तो ये थोड़ी दिक्कत है AAA टाइटल गेम के लिए ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता लगती है। हाँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर में और 24 GB रैम में ये 32 FPS पे चल जाए लो रेजोल्यूशन पे, 916x544 रेजोल्यूशन में आपका ये 32 FPS पे चल जाएगा, लेकिन वो है डिवाइस की ब्लास्ट होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े फैन लगते हैं ना गेमिंग PC में, इसीलिए तो उसमें फैन होते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस में कहाँ फैन, आप एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी गॉड ऑफ वॉर गेम के बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रिटोस आपको मेन कैरेक्टर मिलता है और उसके साथ ही सारी स्टोरी लाइन आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।